बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट राजा और आप देख रहे हैं लार्जेस्ट उर्दू ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से अपने एंड्रॉयड मोबाइल से जो है कार्टून वाली एनिमेटेड वीडियोस जो है आप किस तरह से अपने मोबाइल में चलती हुई वॉइस में आप किस तरह से जो है बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरह से ये जो है कार्टून वाली वीडियोस अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी मज़ीद लेटेस्ट वीडियो से आप आगाह रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने जो है अपने मोबाइल पे जाना है और उसमें जो है आपने कोई ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद इसमें जो है आपने सिंपली सर्च करना है, एक एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है जिस एप्लीकेशन का नाम है टीलागामी डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करना है टीलागामी और उसके बाद आपके सामने फर्स्ट में जो रिज़ल्ट शो होगी m.apkpure.com, इस यहाँ से आपने जो है इस ऐप को डाउनलोड करना है। ये एप्लीकेशन जो है लगभग 37 MB की एक एप्लीकेशन है, 31 MB की ये एप्लीकेशन है। तो आपने इसे सिंपली डाउनलोड करना है। तो ये जो है मैंने ऑलरेडी अपने मोबाइल में डाउनलोड की हुई है और उसके इसमें इसे जो है मैं सिंपली ओपन करता हूँ। तो ये ऐप्स में मेरे पास जो है टीलागामी ऐप मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपने जो है सिंपली डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली इसे ओपन करना है। तो मैं इसे जो है ओपन कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड, तो ये टीलागामी ऐप जो है मेरे सामने ओपनिंग हो रही है और इसके बाद आपको जो ये ऐप है कुछ इस तरह से आपको शो होगी। तो जब आपके सामने ये ऐप शो हो जाए, सिंपली आपने क्या करना है कि आपने जो है क्रिएट पे क्लिक करना है। अगर आपको क्रिएट वगैरह नहीं आता, बनाना नहीं आता है, तो आप जो हाउ टू पे क्लिक करके भी आप जो है इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि हम ये जो है किस तरह से क्रिएट वगैरह वो कर सकते हैं। तो आपने जो है सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करते हुए आपने जो कि यहाँ पे फर्स्ट पे आप देख सकते हैं कि आपको जो यहाँ पे इस साइड पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे आपको जो है करेक्टर शो कर रहा है। तो आप जो है इसे करेक्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से कस्टमाइज योर करेक्टर पे आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी, यहाँ पे आप जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप यहाँ से फीमेल सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप मेल हैं तो यहाँ पर आप मेल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे सिंपली मेल पर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है स्किन ट्यून, यानी कि आप अपने स्किन का कलर जो है वो किस तरह से रख सकते हैं। तो आप इस स्किन पे क्लिक करें और उसके बाद कोई भी स्किन वगैरह आप यहाँ से सिलेक्ट करें। तो ये स्किन मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आइज़ का कलर भी आप इसमें से कर सकते हैं, ये आइज़ का कलर है। अपने जो सर का कलर है, हेड कलर, वो भी आप यहाँ से जो है साइज़, हेड की साइज़ जो है वो भी आप बड़ी कर सकते हैं या फिर छोटी या फिर स्मॉल वगैरह वो कर सकते हैं। तो उसके बाद हेयर कलर भी आप जो चेंज कर सकते हैं। अगर फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको पास फर्स्ट जो है एक ही शो होगा। अगर प्रो वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जो है मज़ीद हेयर कलर जो हैं वो भी स्टाइल्स आपको शो करेंगी। तो इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद ब्लैक हेयर को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है आप अपनी टी शर्ट वगैरह का कलर वो भी आप चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है अपनी पैंट वगैरह का कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, बूट का कलर वगैरह वो भी आप सिंपली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर हमें जो है कुछ इस तरह से शो करेंगी। बैक पर आप क्लिक करेंगे। बैक पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जो है इमोशंस, यानी पे आपका फेस जो है वो किस तरह हैप्पी में होना चाहिए, सैड या फिर एंग्री या फिर मज़ीद आप यहां से सिलेक्ट वगैरह वो कर सकते हैं। तो मैं इसमें जो है हैप्पी पे सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद बैकग्राउंड, यहां पे बैकग्राउंड पीछे जो आप देख रहे हैं ये बैकग्राउंड भी आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें। तो आप जो है अपनी लाइब्रेरी से भी उठा सकते हैं या फिर डबल्स में, या फिर आप जो है मज़ीद जो है इसमें ऑनलाइन फ्री जो आपको मिलेंगी बैकग्राउंड्स वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक मैं सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल इस पर मैं क्लिक करता हूँ चेंजिंग द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड जो है वो हमारा चेंज हो चुका है। उसके बाद बैक पे आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन में आपको बताऊँ, यहाँ पर मैसेज लिखा आ रहा है। मैसेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम जो है अपना वॉइस वगैरह जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट वगैरह वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के अगर मैं यहाँ से रिकॉर्ड योर वॉइस, तो मैं इस पे रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ वॉइस वगैरह को रिकॉर्ड करता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है,
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट राजा और आप देख रहे हैं लार्जेस्ट उर्दू ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरह से अपने स्मार्टफोन से जो है एनिमेटेड कार्टून वाली वीडियोस बना सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि ये किस तरह से करते हैं। ओके, अब ये जो है एनालाइजिंग योर वॉइस, ये जो है कुछ देर वेट करवाएगा, उसके बाद ये वीडियो जो है वो हमारे लिए तैयार हो जाएगी। तो हम जो है एनालाइजिंग देते हैं अपने वॉइस को, तो हम जो है तब तक वेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ। ओके फ्रेंड, तो ये देखें कि हमारी वॉइस जो है वो एनालाइज हो चुकी है और अब जो है हम अपने वीडियो को जो है प्ले वगैरह वो कर सकते हैं। तो मैं इसमें जो है सिंपली प्ले पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि ये हमारी वीडियो जो है वो किस तरह से बनी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट राजा और आप देख रहे हैं लार्जेस्ट उर्दू ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरह से अपने स्मार्टफोन से जो है एनिमेटेड कार्टून वाली वीडियोस बना सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि ये किस तरह से करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो है अपने मोबाइल में जो है कार्टून वाली एनिमेटेड वीडियोस जो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप अपने मोबाइल में या फिर अपने पीसी वगैरह में एडिटिंग करने के लिए सेव करना चाहते हैं तो सिंपली आप शेयर पे क्लिक करके आप रिव्यू भी कर सकते हैं, या फिर अपने जो सेव कर सकते हैं, या फिर मज़ीद शेयर लिंक कर सकते हैं, या फिर शेयर वीडियो वगैरह वो भी आप इसमें से सिंपली कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।